Hi, my name is Irfan Awaz, your English teacher. Today I have brought the third lesson of class 9th book, that is Qaid as a great leader, means Qaid bahasiyate ek azim rehnuma. Students, in this video you will learn the translation with reading comprehensions and grammar exercises. The main objective of this lesson is to enhance the students' ability, and they would be able after the lessons to sharpen their skills. So that's why we have arranged this kind of online classes for you. You will see that it will be very beneficial and benefited for you. So we start the lesson today. This lesson is existed on your book, page number 25, that is Qaid as a great leader. Before we start the lesson, the two questions comes in the mind, that why, who do you think a leader is? Who is a leader actually? Definitely a person who can lead the nations along with him, that is called a leader. Who can revolutionize, who can bring about, who can bring the big change in the people's life. And how do you think that Qaid is a great leader? Because not only he brought Pakistan on the face of the world and he showed on the map of, and secondly, he changed the whole life of the people who had been facing the critical situation for a long time. So this leader deserves that he should be appreciated. And sometimes we do not have adequate words to appreciate and applaud him for his commendable services towards the nations. Now we come to the lesson. The first lesson, the third lesson, page number 25, the first paragraph, we are going to read it out. It was 7th, 1947. ये 7 अगस्त 1947 थी, when a silver aircraft, जब चांदी जैसा हवाई जहाज, सिल्वर चांदी जैसा हवाई जहाज ने सर्कल डॉवर चक्कर लगाया द एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर एट मारीपुर कराची के मकाम पर. इट वॉज वॉच्ड, इसे देखा गया, बाय अ वास्ट, एक वसी, एक्साइटेड, पुरजोश क्राउड, हजूम की जानिब से, वाइल स्मूथली लैंडिंग, जबकि बड़े नज़ाकत के साथ उतरते हुए. इसका मतलब ये होगा कि इसे आराम से उतरते हुए एक वसी और पुरजोश हजूम से देखा गया. फर्स्ट टू स्टेप आउट, सबसे पहले बाहर कदम रखने वाला ऑफ द एरोप्लेन, हवाई जहाज से, वो कौन था? वॉज अ टॉल, एक लंबा कदावर, डिग्निफाइड मैन, बारोब आदमी, वीरिंग, जो मलबूस था, पहने हुए था, मलबूस था या जेब तन किए हुए था, अ प्योर वाइट शेरवानी, एक खालिस सफेद रंग की कुर्ती, शेरवानी को असल में उर्दू में कुर्ती कहा जाता है, तो सफेद रंग की एक कुर्ती पहने हुए था. तो सबसे पहले हवाई जहाज से पहला बाहर कदम रखने वाला शख्स एक कदावर और बारोब आदमी था, जो एक सफेद रंग की शेरवानी में मलबूस था. As soon as he appeared, वो नमूदार हुआ, सामने आया, द होल क्राउड, पूरा हजूम, रोल्ड, चीख उठा, पुकार उठा, विद वन वॉइस, एक ही आवाज में, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से. एंड एवरीवन, और हर कोई पुश्ड फॉरवर्ड, धकेलता, और हर कोई जो है वो क्या कर रहा था, वो आगे बढ़ने के लिए धकेलता, आगे बढ़ता, धकेलता, पुश फॉरवर्ड, आगे धकेलता, कि टू वेलकम हिम, कि आप वो खुश आमदेद कह सके, एंड टू गेट एज क्लोज टू हिम, और इतना करीब हो सके, एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो, और मुमकिन तौर पे जितना करीब हो सके, इन ऑर्डर टू सी हिम क्लियरली, ताकि उसे
साफ अंदाज से देख सके। तो मतलब ये हुआ कि हर शख्स उसको खुशामदेद करने के लिए आगे बढ़ता ताकि उसको वाज़ेह तौर पर देखने की गर्ज से और अकेले जितना मुमकिन हो सके इतना ही करीब हो जाए। इसका मतलब मुहावरा ये होगा, फॉर क्योंकि हियर वॉज देयर ग्रेट लीडर, यहाँ उनका एक अजीम रहनुमा था, कायद-ए-आज़म द फाउंडर, रहनुमा द फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल ऑफ देयर न्यू कंट्री, उनके नए मुल्क का, क्योंकि यहाँ पे उनका पहला गवर्नर जनरल, उनके मुल्क का पहला गवर्नर जनरल और अजीम रहनुमा था। हियर वॉज देयर लीडर, यहाँ उनका एक रहनुमा था, हु हैड वन पाकिस्तान फॉर देम, जिन्होंने उनके लिए पाकिस्तान को जीत लिया था, और वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। स्टूडेंट्स, इस लेसन में आप देखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना से पहले एक लफ्ज़ है, एक डैश नहीं, डैश लगाई गई है, ये सेंटेंसेस के दरमियान आती है। इसका मतलब ये है कि पिछला सेंटेंस जो है वो अगले पार्ट के साथ ताल्लुक रखता है, और ये एक काइंड ऑफ अ पॉज है, एक हेजिटेशनल गैम्बिट्स है, रुकने के लिए एक अंदाज है, ठीक है, कि और कोई नहीं था और आखिर में नाम लिया गया कि वो कायद-ए-आज़म थे। नाउ द सेकंड पैराग्राफ, एज ही ड्रोव थ्रू द ग्रेट सी ऑफ द पीपल, जो ही आप लोगों के अजीम समंदर में से गुजरे, ये ड्रोव थ्रू से मुराद गुजरना है लेकिन गाड़ी में बैठकर, अगर वॉक थ्रू होगा तो पैदल चलकर, अगर रैन थ्रू है तो भाग के, ठीक है, अगर स्विम थ्रू है तो फिर तैराकी करते हुए, ये मुख्तलिफ अंदाज है। तो ड्राइव ड्रोव ड्रेवन, ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो ड्राइव इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर द ड्राइविंग, द पर्सन हु इज ड्राइविंग डेफिनेटली ही विल बी सिटिंग इन हिज ओन कार एंड ही विल बी पासिंग थ्रू द ग्रेट सी ऑफ द पीपल देन। सो एज ही ड्रोव थ्रू द ग्रेट सी ऑफ पीपल, जो ही आप लोगों के अजीब समंदर में से गुजरे, दैट स्ट्रेच फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सिटी, जो हवाई अड्डे से शहर तक फैला हुआ था, हवाई अड्डे से शहर तक फैला हुआ था, मतलब नंबर लैपिस वर्ड है, बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद थी, और थ्रू ऑल चीयर एंड टीयर्स, और फिर आप दूसरा अंदाज बताया कि आप उसमें से गुजरे, किस में से? थ्रू ऑल चीयर, तमाम खुशी में से, एंड टीयर और खुशी के आंसुओं में से, खुशी के नारों और खुशी के आंसुओं में से आप गुजरे। मतलब द पीपल हैड बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम, नाउ देयर ड्रीम हैज कम ट्रू, नाउ दे कैन नेवर बिलीव इन दैट द डे हैज कम, दे डिड नॉट वांट टू वेट एनी लॉन्गर, सो दैट्स व्हाई देयर आईज हैड स्टार्टेड शेडिंग टीयर्स। तो दीज टीयर्स आर मीनिंगफुल, दीज आर मिक्स्ड विद द जॉयज एंड हैप्पीनेस। सो इस वजह से कहा कि जब वो गुजरे खुशी और गम के, खुशी के नारों और चीखों से गुजरे, एंड नेवर एंडिंग स्लोगन्स, और ना ख़त्म होने वाले नारों से गुजरे, ना ख़त्म होने वाले नारों, कौन से? ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो सारे का मतलब ये होगा कि जो ही आप बड़े लोगों के अजीम समंदर, जो हवाई अड्डे से एयरपोर्ट तक फैला हुआ था, उसमें से गुजरे, खुशी के आंसुओं और नारों से, शोर शराबे से गुजरे, और पाकिस्तान जिंदाबाद के ना ख़त्म होने वाले नारों में से गुजरे, तो फिर क्या हुआ? द कायद शोड नो साइंस ऑफ हिज फीलिंग्स, तो कायद ने अपने जज्बात का इजहार नहीं किया, he didn't show any kind of a feeling over there, so because he might have been thinking about the condition of those people who had been betrayed from their own countries and they had been killed on the railway stations and somewhere else, so he had a kind of a feeling like, that's why he did not show any kind of joy feelings, because half of the work has been done and half of the work was left. The main purpose was to settle the people. It is not a big chance that you have got the country, and the main reason is always there, how to settle the people in that. So that was a great problem for there.
बट दैट वॉज अ ग्रेट थिंग, ही गॉट इज ऑन कंट्री, उन्होंने अपना मुल्क ले लिया, और ही रियली डिड सो. और कायद आजम ऐसे नहीं थे, फ़खर नहीं था उनको, गुरूर नहीं था, तकबर नहीं था कि वो किसी से बात न करते, बल्कि वो बहुत कम ऐसा किया करते. रेयरली, ये नेगेटिव फ्रिक्वेंसी एडवर्ब है, जो का मतलब है कि नेगेटिव सेंटेंस है, कि रियली डिड सो, कि वो शाज़ो नादर, बहुत कम ऐसा किया करते थे. इफ ही फेल्ट प्राइड, अगर आपको फ़खर होता और जॉय या खुशी होती इन व्हाट ही हैड डन, कि जो कुछ आपने किया था, ही डिडंट लेट एनीबॉडी सी इट, तो फिर आप किसी को ये देखने ना देते, किसी को जाहिर ही ना होने देते, फिर आप ऐसे प्रोफेशनल हो जाते जैसे आम लोग हैं कि अपना मकसद पूरा और बाकी को छोड़ दिया. तो दैट वॉज नॉट एक्चुअली. सो थ्रू ऑल द एक्साइटमेंट ऑफ दोज फर्स्ट डेज, तो ये दूसरा एक कॉन्टेक्स्ट है इसी पैराग्राफ का, कि यूं ही आप उन पहले दिनों के, इन द लाइफ ऑफ द यंग नेशन, जवान कौम की जिंदगी के पहले वो जो दिन थे, उसकी पुरजोशपन से जब आप गुजरे, तो जवान लोग कितने खूब जो पुरजोश थे कि व्हेन दे सॉ विद देयर ओन आईज द कंट्री हैज बीन फॉर्म्ड बिफोर देम, तो व्हाट काइंड ऑफ द फीलिंग डू दे हैव. सो जब उसमें से गुजरे, तो द मैन, वो शख्स हु हैड मेड इट पॉसिबल, जिसने ये मुमकिन बनाया था, यानी पाकिस्तान लेना मुमकिन बनाया था, रिमेंड, रहा काम, खामोश, सीरियस, संजीदा एंड सोबर, और पुरसकून, पुरसकून रहा. परहैप्स, शायद, ही वॉज थिंकिंग, आप सोच रहे थे, ऑफ मिलियन, शायद आप उन लाखों लोगों के बारे में सोच रहे थे, मिलियन लोगों के बारे में सोच रहे थे, कि हु हैड बिकम होमलेस, जो बेघर हो चुके थे, जिनके पास घर नहीं था. बिफोर दैट दे वर लिविंग इन इंडिया, व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट वॉज पार्टीशन्ड, सो द मुस्लिम ऑफ द इंडियन वर फोर्स टू एग्जिस्ट. जो लोग बेघर हो चुके थे जब इंडिया और पाकिस्तान जुदा मुल्क बन गए, तो बेटा ये है तरीकाकार ट्रांसलेशन करने का, जिसे बामुहावरा idiomatic expression या idiomatic translation कहा जाता है. आपने इसी अंदाज से बाकी सबक का भी ट्रांसलेशन करनी है, और आपको हमने इस वीडियो लेसन के साथ आपके लिए नोट्स भी हैं, जो आपके टीचर्स ने आपके लिए तैयार किए हैं, उनको भी जहन में रखें, सामने रखें, और वीडियो भी देखें, तो फिर आपके लिए ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप इजीली समझ जाएंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन टॉपिक, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन. There are some words have been used in the lesson on page number 27. These are dignified. तो ये मतलब है बारूक, पुरवकार, calm and serious and deserving respect, empire, सल्तनत, हुकूमत, stern, serious and often disapproving, सख्त गीर. मतलब क्या कि उन लोगों के लिए कि जो दुश्मन थे, उनके लिए सख्त गीर, ठीक है. और उसके अलावा स्ट्रेच्ड, बीइंग लॉन्गर, फैला हुआ, स्प्रेड, स्लोगन्स, अ वर्ड ऑफ फ्रेज, यानी ये नारा, वास्ट, एक्सट्रीमली लार्ज इन एरिया, वसी, चीरिंग, खुशी, लाउड शाउटिंग, दैट शाउट स्पोर्ट, जब किसी के हमायत में जब इंसान चीखता है, शोर करता है, शोर मचाता है, फॉरन, गैर मुल्की, लीडरशिप, क़यादत, होमलेस, बेघर, एक्साइटमेंट, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट एंथ्यूजिज्म एंड ईगरनेस, पुरजोश, रिफ्यूज, पना लेना, और वायलेंस, तशद्दुद और डिस्ट्रक्शन, तबाही. ये कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसके इंग्लिश का मतलब ही इस बुक में, इस लेसन पर लिखा हुआ है 27 पेज पर, और इसके अलावा इसका उर्दू मतलब मैंने आपको बताया. नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. पहला सवाल ये है कि डिस्क्राइब द पर्सन हू हैड कम आउट ऑफ द एरोप्लेन एट मारीपुर कराची. ये जो जवाब है, ये आपके सबक के पहले सफ़े पे मौजूद है, जो सबक का पहला पैराग्राफ, कि वो कैसे लग रहे थे. अ पर्सन हु हैड कम आउट ऑफ द एरोप्लेन एट मारीपुर कराची वाज टॉल मैन, डिग्निफाइड पर्सन, वेयरिंग वाइट शेरवानी, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं. लेकिन आंसर लिखते वक्त एक चीज़ का ख्याल करेंगे कि आंसर लिखने का तरीका ये है कि आपने पहले क्वेश्चन के जो वर्ड हैं वो इस्तेमाल करने हैं, उसका जवाब देना है, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं इनके बारे में वो आप लिख लें. लेकिन अगर आप पहले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन लिखेंगे, तो फिर आपके मार्क्स कम आएंगे. तो कोशिश करें कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका जिक्र पहले करें. दूसरा सवाल है, व्हाई डिड द क्राउड रोर इन द वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद. ये हजूम क्यों चीखा था. बिकॉज डेफिनेटली देयर कंट्री हैज़ बीन फॉर्म्ड, फॉर्मुलेटेड एंड
Ahadeva, their great leader, who has stepped off the aeroplane and he was passing through the great people, sea of people, and that stretched from the airport to the city. Secondly, he had passing through the cheers and never-ending slogans. So everybody was appreciating them, appreciating him for his commendable and laudable services he has done towards his country. So that's why they rolled their vices. Third question, why had people become homeless? Log beghar kyun ho gaye the? When Pakistan and India came into being, so the Muslims who were living in India, India forcibly exiled them. They had to force them to leave their country. So where should they go then? They came to Pakistan, and that was a great big problem for Qaid-e-Azam to settle them in a once new country which had been really formed. And that was very difficult task and challenging position. So that's why these people had become homeless. Fourth question, why did the Qaid-e-Azam look satisfied? Qaid-e-Azam looked satisfied because he thought that the half of the work was done, that they have got the country, few of the stuff were left. So what the big task and achievement did by the Qaid-e-Azam, that was that he got the country, he snatched his own rights from the hands of Britishers and the Hindu people, because Hindu were not favor to make to be separate. So this credit goes to Qaid-e-Azam, that who not only got the Pakistan, but he also made the way for India to be exiled. For next question, what did the Qaid tell to people about their rights? Unke baare mein kya kaha? Ye iska jawab jo hai page number 27 ke end pe hai. Qaid-e-Azam ne kaha ki you are free to go to your temple. इस वजह से कहा कि उस मुल्क में जब पाकिस्तान बना तो हर किस्म के लोग थे, उस मज़ाहिब के क्रिश्चियन थे और उसमें हिंदू थे, हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हिंदूज वर लिविंग इन पाकिस्तान, में पाकिस्तान के मिट्टो बिंग, ठीक है, और कुछ वहाँ से और भाई पाकिस्तानी मुस्लिम लोग आ गए, तो कुछ लोग थे, कुछ चर्च में जाने वाला था, ईसाई थे, तो अकलीती लोग ज़्यादा थे, ठीक है, माइनॉरिटीज जो थी वो ज़्यादा थी, तो लिहाजा उनको कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, कि अब हमारा मुल्क बन गया तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, जैसे हमारे इस्लाम का तरीक़ाकार है कि ला इकरा फिद्दीन, कि देयर इज़ नो कंपल्शन फॉर एनी बॉडी टू एक्सेप्ट रिलीजन, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन, ठीक है, इट इज प्योरली अप टू यू, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मस्जिद, टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन एंड कास्ट, यानी आप पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी कबीले या फिरके से हैं, लेकिन आप अपने मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, चर्च में जाएं, आप जा सकते हैं, ये कायद-ए-आज़म ने उन लोगों से कहा। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड अ सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट हैविंग काज एंड इफेक्ट्स। दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। काज कहते हैं वजूहात को, असबाब को, और नतीजा क्या निकला, नतीजा आपके सामने आ गया। मिसाल के तौर पर हिंदुओं ने मुसलमानों को तकलीफें दी और आखिर में ये नतीजा निकला कि मुसलमान खड़े हुए अपने हक को हासिल करने के लिए, तो जो तकलीफें दी हैं इसके सबाब थे, और जो हासिल किया वो उसका इफेक्ट, उसकी असर, ठीक है। इस सबक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें काजेज अलग हैं और इफेक्ट्स जो हैं वो अलग हैं, ठीक हुआ। उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको, मैं ये सवाल आप खुद अपने ऊपर भी छोड़ सकते हैं, इसमें चेक करें कि वो काजेस कौन से थे और इफ़ेक्ट्स से मुराद असरात हैं, कि उसका असर क्या हुआ, कि इंसानों ने, मुसलमानों ने मेहनत की, शोर मचाया, अपना हक मांगा, तो नतीजे में उनको क्या मिला, उनको अपना मुल्क हासिल हुआ, ये इसका इफ़ेक्ट है, ये काजेस हैं और इफ़ेक्ट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर लास्ट, आइडेंटिफाई संडे फ्रॉम टेक्स्ट एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। ओपिनियन से मुराद आरा, राय, इजहार ख्याल, ये गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है, इसका आप जायज़ा लें कि ये कहाँ है आपके सबक के अंदर। तो ये है कि जिस वक्त ये, एक तो ये है कि वी ऑल मेन आर इक्वल टू द इन द आईज ऑफ अल्लाह, अब ये उन्होंने आरा, आरा जो है राय है, उसका इजहार किया। और दूसरा, उसके अलावा यू आर फ्री टू गो, ये एक राय पेश की है कि बस इस तरह से, ये भी एक किस्म का ओपिनियन है, एक ऑप्शन, लेकिन ज़्यादातर ओपिनियन जो आई थिंक या इट इज़ सेड, ठीक, ये जो कोई किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं जो ऑप्शनल हों, तो उसको आप ये कर सकते हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में नहीं आते, फाइंड
sentence from the text or expressing an opinion. But baki jo WH question hai, these are very meaningful and meaningful. This was the story of the comprehension. Now come to the grammar exercises. First of all, 28 page. Choose the correct answers for the following. As he drove through the great sea of the people that stretched from Ur to the city. One. In this sentence, the metaphor sea of people conveys to the idea that the people, A, the people were moving the waves of the sea. B, there was very great number of people. C, people were standing in a large area of the salty water. D, a large number of people gathered near sea. Option is B, there was a great number of people. So, pehle ka jawab hai B option hai. There was a great number of people. Dusra sawal hai, as soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindabad. Using the comparison clue, the word roared in this sentence means an angry voice, a long deep voice, an irritated voice, an annoyed voice. Angry voice nahi thi, gussi wali to nahi thi baat. Annoyed khafa bhi nahi the. और इरिटेटेड चिड़चिड़ापन कि किसी की बात सुनने के लिए बंदा तैयार ना हो, वैसे ही नाराज हो जाए. तो ऐसे तीनों मामलात नहीं थे. ये तो एक डीप वॉइस थी, दिल से आवाज निकल रही थी. लिहाजा जवाब है बी, अ लॉन्ग डीप वॉइस. क्वेश्चन नंबर 3. थ्रू ऑल द एक्साइटमेंट ऑफ दोज फर्स्ट डेज इन द लाइफ ऑफ द यंग नेशन. इन दिस सेंटेंस द फ्रेज यंग नेशन रिप्रेजेंट्स न्यूली डेवलप्ड कंट्री, अनडेवलप कंट्री, नॉट फुली फॉर्म्ड कंट्री, एन एडवांस कंट्री. उस वक्त जब पाकिस्तान बना था तो उसकी पोजीशन ना तो डेवलप कंट्री की थी, ना एडवांस कंट्री की थी, नॉट फुली फॉर्म्ड थी. पाकिस्तान बन चुका था, लिहाजा ये अनडेवलप कंट्री था कि जो गैर तरक्की याफ्ता था. तो इस तरह बी वाला ऑप्शन जो है दोबारा इसका आंसर आता है. कायद आजम, द मैन हु हैड मेड इट पॉसिबल रिमेन काम, सीरियस एंड सोबर आफ्टर इंडिपेंडेंस, कज ही वॉज ए, ही वॉज थिंकिंग ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल हु हैड बिकम होमलेस. B, he was thinking of the ways to run the newly born action nation. C, he was thinking about his own family and friends. D, he was thinking of the ways to accommodate millions of people. D or A ज़्यादा chance है, लेकिन चूंकि book के अंदर जो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ वो है he was thinking of millions of people who had become homeless, तो ये answer जाता है. तो accommodation का मसला था millions of people का, and accommodation का भी है, लेकिन ज़्यादा जो contextual meaning आता है वो ए में आता है. ए इसका आंसर. ये 28 पेज पे लास्ट एमसीक्यूस. पेज नंबर 29. मोहम्मद अली जिना वाज एट दिस टाइम टायर्ड एंड फार फ्रॉम वेल. इन दिस सेंटेंस द फ्रेज फार फ्रॉम वेल रेफर्स टू इल आर एलिंग, बेड रिडन आर डिसेबल्ड, क्रूल एंड इनफर्म, इंजर्ड आर हर्ट. ये मुख्तलिफ कैफियात बताई हैं बीमारियों की, कि जो बीमारियां जो जहरी तौर पर दिखाई दे रही हों, कुछ जख्म लग गया, वो डिसेबल है, मफलूज है, या वो शुरू से ही ऐसा है, तो नहीं ऐसा नहीं था. तो इलिंग आर एलिंग, कायदे आज़म ऐसी कोई बात नहीं थी. तो वो जो इल और एलिंग की वजह से वो काम कर, ही वाज सो गॉट लेथार्जिक एंड टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड बीइंग डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर द काज ऑफ नेशन, सो ही बिकेम ही फार फ्रॉम वेल, मीन ही वॉज नॉट फीलिंग वेल. सो इल और एलिंग जो है इसका आंसर है. इल कहते हैं बीमार को, एलिंग कहते हैं तकलीफ को. तो लिहाजा ये जो बीमार और तकलीफ उनके इस वजह से हुई कि उन्होंने काम बहुत ज़्यादा किया मुल्क की खातर और अपनी सेहत की परवाह नहीं की. ठीक है, तो इस वजह से हमारा ए आंसर होगा. आगे कुछ एक्सप्रेजेज हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग फ्रेजेज एक्सप्लेन. चीयर्स अभी कुछ हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग फ्रेजेज एक्सप्लेन. व्हाट डू यू स्टैंड बाय फॉलोइंग फ्रेजेज एक्सप्लेन. द चीयर्स एंड टीयर्स ऑफ जॉय. ये चीयर्स और टीयर्स जो है का मतलब है कि खुशी के आंसू और शोर. ये कॉम्बिनेशन है खुशी का और आंसुओं का. खुशी की वजह से आंसू निकल आए, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है. ठीक है, कि जिसकी वजह से लोग जो थे वो हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे, या जिस शख्स ने बहुत ज़्यादा तकलीफें बर्दाश्त की हों वो कभी कभी हंसते हुए रोने लग पड़ता है, कभी रोते हुए हंसने लग पड़ता है. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जॉय एंड टीयर्स. Far from well, as mean this word has been used for Qaid-e Azam because he had not been feeling well, because he had to work a lot for the nation and he didn't care about his own health. So that's why he became far from well. This is a phrase which refers to Qaid-e Azam who had become ill and ailing. Hard had become nation. Kaun ban gaye the nation? The people who had been facing a lot of music.
थ्रू आउट द सेंस केम टू सेंसेस, तो अब वो क्या बन गए थे, वो एक कौम बन चुके थे, फिफ्थ लार्जर नेशन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद एनिमी ऑफ टुडे मे बी अ फ्रेंड ऑफ टुमारो, मतलब जो आज का जो है वो दुश्मन है वो कल का दोस्त हो सकता है। ये भी एक इस्लाम का रूल है और इस्लाम का तरीक़ाकार है, मनहज है कि भाई आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, दुश्मन के साथ भी अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ, आप अपने अखलाक से उसे मुतासर। जैसा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार था कि आप सल्लम जब ताइफ गए तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के बच्चों ने, शाबाश लड़के जो थे उन्होंने आपको साथ बहुत बुरा सलूक किया, और हज़रत इब्राहीम जब आए तो उन्होंने फरमाया कि रसूल सल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ इब्राहीम नबी करीम सर से पूछो कि वो क्या चाहते हैं, तो आपने फरमाया कि नहीं। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि अगर आप चाहें तो हम इनको दो पहाड़ों के दरमियान दे दें, मार दें, ख़त्म कर दें इस कौम को। तो आपने फरमाया नहीं, मुझे लग रहा है कि इसमें ऐसे लोग अजीम पैदा होंगे इस्लाम की खातिर जो बड़े मुजाहिद और इस्लाम की खिदमत करने वाले होंगे। वाकईतन ये ऐसा हुआ, और यही कॉन्सेप्ट जो है कि एनिमी ऑफ टुडे कैन बी फ्रेंड ऑफ टुमारो, कि कल का वो हमें, हमारा जो है वो दोस्त हो सकता है। मसला ये कि आप अपने अखलाक के साथ उसे मुतासर कर सकते हैं, अपने अंदाज के साथ मुतासर कर सकते हैं। नाउ दीज आर द सम वर्ड्स यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस योर ऑन। ये सेंटेंस आप अपने बना सकते हैं खुद, सेंटेंस इसके वर्ड्स आप देख लें, ये मौजूद हैं, एक्साइटमेंट, आइडियल, रेयरली, वास्ट और यूनिटी। ठीक है, इसमें चंद सेंटेंसेज जो हैं, मसलन देयर वाज अ ग्रेट एक्साइटमेंट वेडिंग हॉल, ये एक सेंटेंस है, ये एक मैं किस्म बता रहा हूँ, यू कैन चेंज इट। दूसरा है आइडियल, माई मदर इज माई आइडियल पर्सनैलिटी, यू कैन से माई टीचर इज माई आइडियल पर्सनैलिटी, कायदे आज़म माई आइडियल पर्सनैलिटी, यू कैन से। रेयरली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये दरमियान में इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करें, मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करें। ही रेयरली विजिट्स हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ही रेयरली टेल्स अ लाई, ठीक है। रेयरली कहाँ इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट के बाद, मेन वर्ब से पहले। चौथा वर्ड है वास्ट, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो, अरेबिया इज अ वास्ट डेजर्टेड कंट्री, ठीक है। और इस तरह और भी है, यूनिटी, इस्लाम गिव्स द लेसन ऑफ यूनिटी। अब ये मैंने बताया सेंटेंस आपको, तो यू कैन मेक योर ऑन, यू डोंट हैव टू सी दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू, इट इज प्योरली क्रिएटिव एक्सरसाइज, इट शुड बी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट्स। नाउ वोकैबुलरी, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड थ्रू एब्रिविएशन यूज्ड। पहला लफ्ज है फेरोसिटी, फेरोसिटी जो है ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और मतलब है द क्वालिटी आर स्टेट ऑफ बींग ऑफ एंगर, ये इसका मतलब है। दूसरा वर्ड है रिमाइंड, ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, और टू पुट इन माइंड ऑफ समथिंग, टू रिकॉल समथिंग। डिटर्मिनेशन, इट्स अ नाउन, फर्म एंड फिक्स अटेंशन। एंड देन क्राउड, क्राउड यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, वैसे एज ए वर्ब भी यूज हो सकता है, यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ लेसन में, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स। एंड देन सोबर, सोबर ये एडजेक्टिव है, मतलब संजीदा, पुरसकून, ट्रैंक्वल, बिल्कुल खामोश। द नेक्स्ट वन, कंसल्ट द सार्स एंड फाइंड आउट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम्स कहते हैं मुतजाद, ऑपोजिट वर्ड्स। द सार से मुराद, ये हर डिक्शनरी में एक ख़ास किस्म का ऑप्शन होता है जिसमें आप एक स्पेसिफिक वर्ड के साथ वर्ड तलाश करते हैं, मीनिंग आप नहीं देंगे यहाँ पे, आपको उसी तरह का एक कंटेम्पोरेनियस वर्ड, हम असर लफ्ज तलाश करना होगा और आप उसके मीनिंग देंगे। बस हम पहला लफ्ज है सीरियस, ठीक है, तो आप फीशियस भी कह सकते हैं, फेसिशियस, सोबर भी कह सकते हैं, वायोलेंस, इम्पेसिवनेस, ठीक है, सॉरी ये देखें, सीरियस, फेसिशियस, वायोलेंस, इम्पेसिवनेस, मतलब आप कह सकते हैं कि ये पीस है, वीकनेस, कमजोरी, स्ट्रेंथ, ताकत, डिलाइट, खुशी, डिसप्लेयर, नाराजगी, अनॉयंस, अनॉयंस भी कह सकते हैं, हारमनी, हम आहंगी, मिल के चलना, डिसहारमनी, गैर हम आहंगी, मिल के साथ ना चलना, पसंद ना करना। नाउ कम टू द ग्रामर एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 31, एन आर्टिकल, हरूफ तनकीर, ए, एन और द, ये तीन लफ्ज हैं, फिल इन द आर्टिकल्स ए एन दी वेयर नेसेसरी, इंसर्ट क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज यूज्ड। आई लाइक अ बाइक, ब्लू टी शर्ट, अ ब्लू टी शर्ट, दिस इज अ कॉमन। असल रूल ये है
कि जो लफ्ज ए ई आई ओ यू से शुरू होता है हरूफ इल्लत, जैसे जिसे हम कहते हैं वॉवल्स, तो फिर आप एन लगाएंगे, लेकिन बशर्त ये कि ये वॉवल साउंड दें। बस अम्ब्रेला में यू से स्टार्ट होता है और ये वॉवल साउंड दे रहा है, क्योंकि अब उर्दू में लिखेंगे तो ये अलिफ से शुरू होगा अम्ब्रेला। तो जो लफ्ज ऐसा हो इंग्लिश का, उसको उर्दू में तर्जमा किया जाए और फिर वो अलिफ से, अलीमदा से और ऐन से शुरू होता है, तो फिर हम उस लफ्ज को पहले ऐन लगाते हैं। अब मसलन यूनिवर्सिटी है, अब ये यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन डजन क्रिएट, इट डजन प्रोड्यूस वॉवल साउंड, तो हम लोग इसके साथ ए लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ना कि एन, ये गलत होगा। ठीक हुआ? जैसे ऑनेस्ट है, ये तो एच है, कंसोनेंट है, वॉवल तो नहीं है, लेकिन ये आवाज साउंड कौन सी दे रहा है, वॉवल की, लिहाजा एन ऑनेस्ट आएगा। ठीक हुआ? तो अली मदा अलिफ और एन से जो लफ्ज इस्तेमाल हो, उस लफ्ज को, इंग्लिश को वाले लफ्ज को उर्दू में लिखें, ठीक है, मीनिंग ना लिखें, उसको उर्दू में लिखें। देखें अली मदा से शुरू होता है, अलिफ से स्टार्ट होता है, अली मदा से स्टार्ट होता है, एन से स्टार्ट होता है, तो इससे पहले आप एन लगाएं, अदरवाइज वरना बसूरत दीगर आप यूज करेंगे अ। और दी के बारे में ये है कि इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। नंबर वन, कि ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल होता है, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द वर्स्ट, द बेस्ट, ये इस तरह। दूसरा है कि ये डबल कंपैरिजन डिग्री में इस्तेमाल होता है ऑफ एडजेक्टिव, जैसे द मोर यू शुगर द स्वीटर इट इज, द हायर यू गो द कूलर इट इज। अब दो दफा दी इस्तेमाल हो रहा है, ये दूसरा अंदाज है इसका। तीसरा ये है कि अगर एक दफा कॉमन नाउन इस्तेमाल हो चुका है पहले दफा, जब दूसरा दफा इस्तेमाल हो रहा है तो वो फिर प्रॉपर बन जाएगा। मसलन आई बॉट अ चेयर, चेयर इज अ कॉमन वर्ड, सो चेयर इज अ कॉमन वर्ड, तो आई हैव यूज अ विद इट, लेकिन आई एम गोना डिस्कस इट अगेन, सो आई वुड से आई बॉट अ चेयर, द चेयर वॉज मेड ऑफ वुड। अब द चेयर हो जाएगा बिकॉज यू आर यूजिंग अगेन अ कॉमन नाउन, इट बिकम्स अ प्रॉपर फॉर यू देन। इसी तरह बड़ी बड़ी पहाड़ों, बड़े बड़े दरियाओं, बड़े बड़े समंदर के साथ, बड़े बड़े इदारों के साथ आप दुआ लगा सकते हैं। दी होली कुरान, आप किताबों के साथ, बुक्स के साथ, ऑथर्स के साथ, ठीक है, लगा सकते हैं। सो आई लाइक अ ब्लू टी शर्ट ओवर देयर बेटर देन द रेड वन। द रेड वन से मुराद यहाँ पे खास है, इस वजह से द लगाया गया है। देयर कार डज 150 माइल्स एन आवर, आवर आवर एच से है, लेकिन उर्दू में लिखे अली मदा से स्टार्ट होता है, लिहाजा एन आवर आएगा। वेयर इज द यू एस बी ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक, द यू एस बी, बिकॉज दैट इज स्पेसिफिक वन, सिग्निफिकेंट। डू यू स्टिल लिव इन बनू, यू डोंट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ आर्टिकल हियर, इट डजंट मीन दैट यू विल हैव टू डू इट, यू विल सी द कंडीशन ऑफ द सेंटेंस, whether it is necessary to be applicable or not, so it is not important to write it here right now. Is your mother working in old, in an old office building, in an old office, old ali mother, at least old office. Okay, now come to the next exercise, verbs. These are the modal verbs, students have been used in it. Modal verbs are those verb which are used in a specific form, giving a different certain impressions, like a sense of necessity, possibility, permission, prayer, obligations, ye istemal hote hain. Ability or inability, they are able. Which of the three sentences containing a modal auxiliary verb has the same meaning as the original one? One, they are able to speak English well. Number one, they can speak English well. They may speak English well. They must speak English well. असल में कहानी ये है कि ये मॉडल वर्ब में दो सतहें होती हैं, मोर देन 50%, लेस देन 50%। जो मोर देन 50% होते हैं वो सर्टेनिटी लेवल को डिस्कस करते हैं, जो लेस देन 50% होते हैं वो पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। पॉसिबिलिटी से मुराद व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, सो मे, माइट और कुड, दीज आर थ्री मॉडल वर्ब विच आर यूज इन द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, less than 50%, whereas more than 50% are, can, must, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। so, तो यहां पर able to speak से मुराद ये ability को show कर रहा है,
अबिलिटी आर इनअबिलिटी, लिहाजा यहां पे कैन इस्तेमाल होगा. जैसे आप कहते हैं ही कैन स्पीक original languages but he cannot speak English, it means he has ability to speak these languages but doesn't have ability of English enough to speak. ठीक है, तो ये इस तरह able to के साथ कैन आएगा जी. दूसरा है कि there is a possibility of rain tomorrow. अब देखिए वर्ड से पॉसिबिलिटी शो हो रहा है, मैंने बताया था कि मे माइट और कुड पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, तो इसमें देखें कौन सा मे वाला है. हाँ, पहले वाला इट मे रेन टुमारो, तो ये है पॉसिबिलिटी को शो करता है. और दूसरा मस्ट, एक सर्टेनिटी लेवल, वेल तो डेफिनेटली ये मॉडल वर्ब है, इट इज 100% श्योर, दैट्स व्हाई, तो इट मे रेन टुमारो. डू आई हैव टू क्लीन द किचन, ये जो है ये नेसेसिटी को लेवल को शो करता है, नेसेसिटी. व्हेन यू नीड समथिंग, तो कैन आई क्लीन, नो एबिलिटी, शुड, इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन. और मस्ट, मस्ट जो है इट इज यूज कंपैरेटिवली, डू हैव टू, आई डो नॉट हैव टू, डू यू हैव टू, इस सेंस में इस्तेमाल होता है. तो हैव टू के सेंस में हैव टू भी नेसेसिटी को शो करता है और मस्ट भी नेसेसिटी को शो करता है. इट मीन दैट व्हेन यू फील समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, सो मस्ट आई क्लीन द किचन, ये इसका आंसर होगा. आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर, एबल टू फिर आ गया वो जो पहले आपने किया था, तो डेफिनेटली ये कैन आएगा, कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर. आगे पेज नंबर 32, we are not allowed to swim when the red flag is flying. यहाँ पे देखें हाई अलर्ट, आपको मना किया जा रहा है सख्ती से, तो यहाँ पे जब मना किया जाता है शुड नहीं चलेगा, नीड नॉट नहीं चलेगा, बल्कि मस्ट चलेगा. नीड वैसे भी मॉडल वर्ब नहीं है, नीड ऑट, ये दो लफ्ज ऐसे हैं जो सेमी मॉडल एक्सिलरीज हैं, सेमी एक्सिलरीज हैं, तो मॉडल एक्सिलरी में मस्ट आएगा. ओके, वी मस्ट नॉट स्विम when the red flag is flying. Now find the regular verbs, see exercise in each line and write in the space provided. ये कुछ वर्ड हैं, कौन सा वर्ड है जिसके साथ ed लगता है. रेगुलर वर्ब वो होते हैं which have their former pattern to follow. यदि ed लगाएं तो second form और third form बन जाती है, तो played, played आएगा. दूसरा है listen, go, went, make, तो listen के साथ ed लगता है. तीसरा है know, have, say, think. हेल्प सही वर्ड रहेगा, इसके साथ ईडी लगता है. लाइक रोट राइट, लाइक राइट, फॉर गेट ईट, लाइक ऐसा लव्ड है जहाँ डी लगाएं तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाती है. फोर्थ फिफ्थ है टेक टेक ब्रिंग कट क्लीन, क्लीन लव्ड है जिसके साथ ईडी लगता है. तो दीज आर द रेगुलर वर्ब्स, जो पैटर्न फॉलोअप नहीं करते वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं. द लास्ट एक्सरसाइज फॉर यू, डिसाइड वेदर द वर्ब्स इन कलर आर ट्रांजिटिव आर इंट्रांजिटिव. ये हैं फेले मोतादी और फेले लाजिम. ये सेंटेंसेस जो इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप एक्टिव पैसिव की निशानदेही करें कि कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जो एक्टिव या पैसिव में चेंज हो सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज हो सकते हैं, तो उसका हम उन अल्फाज को देखते हैं. इसके लिए एक रूल है पटाप, पी स्टैंड्स फॉर प्रेपोजिशंस, ए स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव, टी स्टैंड्स फॉर एडवर्ब ऑफ टाइम, ए स्टैंड्स फॉर एडवर्ब ऑफ एडवर्ब व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब प्लेस, and P for place. If these five things come right after the main verb, these sentences are considered to be intransitive. They cannot convert into passivize then. So how? Look at, he was crying all day long. Crying is itself intransitive verb. It can't be used in the passivize. And secondly, all day long, it shows adverb of manner. It will be very strange and awkward if you say that all day long will be cried by her. That will be absolutely wrong. So this is intransitive verb, intransitive sentence. We showed her the photo album. Definitely it's transitive because it can be changed in the passive voice. She was showed the photo album by us. The doctor advised me to exercise regularly. It's also transitive because after the advice we have object, indirect object. It can be changed. It was raining. Earlier I told you that rain is itself a word which is intransitive and which cannot be converted into the passive voice. It was raining at that time. At is a preposition, that time adverb of time. So because of these two reasons, this sentence is considered to be intransitive. It cannot be converted into the passive voice. She laughed at the joke. She laughed. Laughed, after the laugh we see at. Really it is preposition, but it is possible because it is a phrasal verb. Phrasal verb is always comprised of two or three words.
Laughed is a base word, and after that we can use the prepositions, and sometime we can use adverb. So the laughed at will be whole word, whole verb. So that's why it can be possible to change. How? She laughed at the joke. The joke was laughed by her. Definitely, it is possible. So this is the story of transitive or intransitive. This was the lesson. In this video, I tried my level best to convey my message to you students. That was about Qaid as a great leader. First of all, translation was done. And then comprehension and question and answer was discussed with you. And then the words and meaning also told you. Grammar exercises have been explained before you. I hope so. You must have sharpened your skills, enhanced your ability. Take a great care of yourself. Stay at home, please. You will be given your kind of notes as well with you. So when you are watching the video, keep these notes. Take the prints out of it. Keep with you and try to watch the video. Thank you so much. Stay with me.